हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने ड्राइंग को बेटर बना सकते हैं, और अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आप खुद अपने ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सो गाइस, पहला टिप है, आपको अपनी अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कोई भी पोर्ट्रेट जो भी आप बनाने वाले हैं आपको उसको दो बार ही बनाना है। पहली बार में आपको उसमें जितनी भी गलतियां आपने की है वो आपको जज करना है, और दूसरी ड्राइंग में आपको वो गलतियां अवॉइड करनी है। ऐसे आप आपके ड्राइंग इम्प्रूव होगी, नहीं तो अगर एक ही ड्राइंग बना के छोड़ देंगे तो आप उससे कुछ भी नहीं सीखेंगे। आप अपनी गलतियां करेंगे पहली ड्राइंग में लेकिन उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तो अगर आप उसको दूसरी बार बनाएंगे तो आप वो गलती अवॉइड करके आप उससे सीख सकते हैं। जैसे कि मेरी कुछ गलतियाँ होती हैं, मैं हेयर्स गलत तरीके से बना लेता हूँ या फिर कभी कभी मेरी आईज गलत तरीके से शेड हो जाती है। सो जब मैं दूसरी बार बनाता हूँ तो ये गलतियाँ मुझे पता होता है, तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। सो गाइस, मेरा दूसरा टिप है, आपको अपने पेंसिल को हमेशा शार्प रखना है। अगर कुछ कुछ पेंसिल्स होती हैं जो कि लगती हैं पॉइंटेड, बट आपको तभी भी यूज़ करने के बाद आपको फिर से शार्प करना चाहिए। सो आप नाइफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर कटर का यूज़ कर सकते हैं शार्प करने के लिए, बट आपको हमेशा अपने पेंसिल को शार्प रखना है। सारी पेंसिल को आप स्टार्ट करने से पहले आप उसे और शार्प कर लीजिए, या फिर आपको यूज़ करने के बाद 5 मिनट यूज़ करने के बाद आपको उसे शार्प करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो थर्ड टिप है मेरा कि आपको अपने ड्राइंग मटेरियल्स को मिनिमाइज़ करना है। गाइस, आप अपने जितना ज़्यादा टूल के साथ काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन्स होंगी कि मैं अब क्या यूज़ करूँ। जैसे कि अगर आप वैरायटी ऑफ पेंसिल्स यूज़ करेंगे अपने ड्राइंग में, सो सिंपली आप 2B, 4B, 6B, 8B निकाल सकते हैं। बस इतने पेंसिल का आपको यूज़ है, HB, 2B, 4B, 6B और 8B। आप 6B का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट 6B रख सकते हैं। बस इतने पेंसिल की आपको ज़रूरत है, इसके अलावा आपको कोई भी पेंसिल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने पेंसिल से आप एक पोर्ट्रेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जितना कम अपना मटेरियल रखेंगे और जितना कम आप ऑर्गेनाइज वे में रहेंगे उतने ही आपके लिए ईजी होएगी चीज़ें, और आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को बना पाएंगे। और गाइस, फोर्थ टिप है कि आपको अपने ड्राइंग में जो भी आप इमेजेस यूज़ करते हैं उसको आपको HD इमेजेस हमेशा यूज़ करने हैं। जैसे कि किसी से भी आप मांगते हैं कमीशन वर्क के लिए, तो आपको सिंपल इमेजेस या फिर ब्लर इमेज यूज़ नहीं करना है। आप जितना हाई डेफिनेशन वाला इमेज यूज़ करेंगे उतना ही आपकी ड्राइंग ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपको डिटेल्स दिखेंगे अच्छे से। सो गाइस, फिफ्थ टिप है हमारा, आपको हर आधे घंटे पे ब्रेक लेना है। हर 30 मिनट पे आपको ब्रेक लेना है। आपने ड्राइंग किया 30 मिनट्स का, तो उसके बाद आपको ब्रेक लेना है और अपने ड्राइंग को ऑब्जर्व करने की मैं कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसे अवॉइड करना है। 30 मिनट ब्रेक लेने से हम एक फ्रेश आइस के साथ अपने ड्राइंग को देख सकते हैं और उसकी गलतियों को एनालाइज कर सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है, ये मैं भी लेता हूँ। आधे घंटे काम करने के बाद थोड़े ब्रेन को रेस्ट दीजिए और फिर से आप आइए, तो आपको अपनी गलतियाँ दिखेंगी और आप बहुत अच्छे से ड्राइंग कर पाएंगे। और गाइस, सिक्स टिप है मेरा कि आपको लाइटली शेड करना है। आप लेयर बाय लेयर शेड कर सकते हैं, और पहले आप बिल्कुल लाइटली शेड कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ही हार्श इफेक्ट लाने के लिए अपने ड्राइंग में। कहीं पे आप बिल्कुल डार्क टोन दे दिए हैं वो रबी नहीं हो पा रहा है। सो गाइस, ये गलती अवॉइड कीजिए और आप हल्का हल्का शेड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ज़्यादा शेड करना है जिसके वजह से आपको बहुत इमेंस टोन चाहिए। आप एक लेयर चढ़ाइए, उसके बाद फिर ब्लेंड कीजिए उसको ब्लेंडिंग स्टम से या फिर ब्रशेस से, ड्राई ब्रशेस से। उसके बाद फिर से एक और लेयर चढ़ाइए 2B, पहले HB यूज़ कीजिए, उसके बाद 2B यूज़ कीजिए, उसके बाद 3B, और ऐसे आप लेयरिंग करेंगे तो आपका जो ड्राइंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निखर के डार्क टोन में आएगा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आगे आपको अपने ड्राइंग मटेरियल्स जो मैं यूज़ करता हूँ और अपने ड्राइंग के पेपर्स के रिव्यू देने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और गाइस, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आपको कहाँ पे डाउट आता है या कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं। तो गाइस, ये मेरे कुछ टिप्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और आप भी इनको अपना सकते हैं अपने ड्राइंग को बेटर बनाने के लिए।